अब खबर है बल्लारपुर तहसील से, जहां सांसद राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में युवक कांग्रेस की ओर से एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। साथ ही सांसद राहुल गांधी की 1700 फीट की भव्य रंगोली से बनाई गई प्रतिमा लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी। भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और सांसद राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में बल्लारपुर युवक कांग्रेस की ओर से 3 जनवरी को एक बाइक रैली का आयोजन किया गया था। वहीं सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो उपक्रम की याद काफी समय तक बनी रहे, इसके लिए स्थानीय रंगोली चित्रकार अनिल उस्कलवार, संतोष दुरटकर, योगेश गोंदे, रीना वर्मा, प्रतीक्षा गेडाम ने राहुल गांधी की 1700 फीट ऐसी भव्य रंगोली बनाई थी। बाइक रैली में यूथ कांग्रेस के लगभग 300 कार्यकर्ताओं ने सहभाग लिया। यह बाइक रैली राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुतले के पास से शुरू होकर बस स्थानक, 3 इक्का गेट, कला मंदिर, गुरु नानक महाविद्यालय, इस महामार्गों से होकर गुजरी और नगर पालिका चौक के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को माल्यार्पण कर बचत भवन परिसर में इस रैली का समापन हुआ। कांग्रेस पार्टी में नया उत्साह संचारित करने के हेतु से पूर्व सांसद तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरेश बाबू पुगलिया के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम की दखल भारतीय यूथ कांग्रेस तथा महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल राउत तथा महासचिव डॉक्टर प्रणीत दादा जांबुड़े, प्रदेश महासचिव तथा वरिष्ठ पदाधिकारियों ने लिया। कार्यक्रम की सफलता के लिए युवा नेता कुशल पुगलिया के नेतृत्व में तथा करण पुगलिया के सहकार से कांग्रेस के प्रदेश सहसचिव सहकार से यूथ कांग्रेस के प्रदेश सहसचिव चेतन गेडाम, जिला महासचिव शंकर महाकाली, बल्लारपुर अध्यक्ष जुनेश सिद्दीकी, अक्षय गोगमारे, संदीप नक्शिने, दानिश शेख, नरेश गुंडपल्ली, विक्की गुजरकर, सनी टेकाम, अजय रेड्डी, प्रांजल बालपांडे, आशीष मुडेवार, जीशान सिद्दीकी, तिरुपति दासरी, सुजीत कुमार, सुमित यंगडल, शशांक कांबड़े, सुधीर बेजलवार, संजीव सुडाला, आशीष चटपल्लीवार, इमरान शेख आदि कार्यकर्ताओं ने परिश्रम लिया। इस कार्यक्रम में बल्लारपुर के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया।